आजकल न्यूज में अक्सर सुनने को मिलता है कि किसी ने किसी पर हमला कर दिया और इसीलिए सेल्फ डिफेंस अभी एक इम्पोर्टेंट बात बन गई है। लेकिन खुद को किसी के हमले से बचाने के लिए आपको फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे गैजेट्स मौजूद है जो आपको बड़े आसानी से बड़े आदमी को ढेर करने में मदद करेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर मस्ती और आज का वीडियो सभी के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं सीक्रेट एंड हिडन सेल्फ डिफेंस गैजेट्स। तो हो जाइए तैयार कुछ ऐसे गैजेट्स देखने के लिए जो आपको किसी भी खतरे से बाहर लाने में मदद करेगा। और इन्हीं में एक ऐसा अनोखा गैजेट भी मौजूद है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर आपको किसी और वीडियो में नहीं दिखने वाला है। तो इन सेल्फ डिफेंस वेपन्स को देखने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। पेपर गन। जब भी सेल्फ डिफेंस की बात आती है तो पेपर स्प्रे को बीट करना किसी के बस में नहीं है, लेकिन कोई खतरनाक आदमी अगर आप पे हमला करता है तो उसके पास जाकर स्प्रे करना भी खतरे से खाली नहीं है, और इसी मुसीबत को आसान बनाता है ये पेपर गन। ये एक एक्चुअल गन है जिसमें पेपर पाउडर से भरे हुए गोलियां रहते हैं, बस आपको इसे लेजर से पॉइंट करके ट्रिगर दबा देना है और ये सामने वाले की आंखों में इतना पेपर घुसा देगा कि उसकी दुनिया ही हिल जाएगी। और तो और इस गन को आप बस 2 घंटे में चार्ज कर सकते हैं, मतलब अगर आप कहीं जल्दी में बाहर निकल रहे हैं तो इसे तुरंत फुल चार्ज करके अपने साथ ले सकते हैं। ये गैजेट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें से जो पेपर निकलता है ट्रस्ट मी वो किसी को भी थोड़ी देर के लिए अंधा कर सकता है और उसी वक्त आप वहां से रफू चक्कर हो सकते हैं। नाइफ बूट। कोई अगर आप पे हमला कर दे सबसे पहले आप हाथ पैर ही चलाएंगे, और इसीलिए आपको ये जूते खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इस जूते में आपकी एक लात पड़ने पे ही किसी को भी अपनी नानी याद आ जाएगी। ये है नाइफ बूट, जिसमें नीचे वाले पोर्शन में एक तेज धार वाला नाइफ लगा होता है, और कोई अगर आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश भी करता है तो आपको बस अपने पैर सामने की तरफ मारना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली आपके जूते से नाइफ बाहर निकल कर उसकी हालत खराब करके छोड़ेगी और उसी टाइम में आप वहां से निकल सकते हो। मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, जी नहीं, नॉर्मली चलते वक्त ये नाइफ बाहर नहीं निकलेगा, बस जब आप फुल फोर्स से पैर चलाओगे तभी निकलेगा। सिगरेट नाइफ। ये एक और ऐसा गैजेट है जो आपको काफी अच्छे तरीके से मदद करेगा जब आपको अपने आप को बचाने की जरूरत पड़े। ये भी एक नाइफ है, लेकिन इस बार ये एक सिगरेट में छिपा है। एक नॉर्मल से सिगरेट पैकेट में दूसरे नॉर्मल सिगरेट के बीच में ही ये स्पेशल सेल्फ डिफेंस सिगरेट भी आता है, जिसे खींचने से ही आपको 1 इंच लंबा एक नाइफ मिल जाएगा। इस पे कोई शक भी नहीं करेगा और आप इसे झट से निकाल कर इससे हमला करने वाले पर वार भी कर सकते हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट दिस सिगरेट कैन सेव योर लाइफ। लेजर गन। ये लेजर गन एक ऐसा गैजेट है जिसे पास रखने से कोई भी आप पर हमला करे आप एक चुटकी में उसे घायल कर सकते हो। बताता हूँ कैसे। एक्चुअली ये लेजर गन एक छोटे से स्टिक की तरह होता है, तो कैरी करने की भी कोई झंझट नहीं है, बस आपको एक स्विच दबाकर इसे चालू कर देना है, और अगर कोई आप पे अटैक करे या कुछ करे तो बस इस लेजर को जलाकर उसके आंखों में डाल दो, वो तुरंत कुछ टाइम के लिए अंधा ही हो जाएगा, और ज्यादा देर रखने से परमानेंट आई डैमेज भी हो सकता है, मगर इसे केयरफुली इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपको भी नुकसान हो सकता है। लेकिन इसको अगर आप अपने साथ कैरी करते हो तो जो भी आप पर हमला करेगा उसकी तो खैर नहीं। सेलफोन पिस्टल। आज के दिन में हाथ में मोबाइल रखना उतना ही कॉमन है जितना कि आसमान में सूरज, तो कोई सोच भी नहीं पाएगा कि आपके हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि एक अच्छी खासी बंदूक है। ये गैजेट मोबाइल के बैक की तरह दिखता है और इस पोर्शन से खींचने पर तुरंत एक बंदूक में बदल जाता है। इसके अंदर 2 गोली डालने के लिए स्पेस दिया गया है, जो बहुत ही ज्यादा सेफ है। जब भी कोई आप पे हमला करने आए तो बस इस मोबाइल को पिस्टल बनाकर ट्रिगर दबा दो, हमला करने वाला अस्पताल जरूर जाएगा, लेकिन इसे थोड़ा संभाल के यूज करना, क्योंकि गोली अगर गलत जगह पे लग गई तो वो मर भी सकता है। तो इसे खरीदने के पहले थोड़ा चेक कर लेना कि ये लीगल है कि नहीं, अगर है तो ही खरीदो। येलो जैकेट आईफोन केस। अच्छा, पिछले वाला तो फेक फोन था, लेकिन इस वाले गैजेट में आप अपना असली फोन रख सकते हैं। ये है येलो जैकेट का आईफोन केस। जी हाँ, ये दिखने में तो सिर्फ एक नॉर्मल सा आईफोन कवर की तरह ही लगता है, लेकिन ये एक स्टन गन भी है जिसकी एक बटन प्रेस करते ही इसमें से हाई वोल्ट की इलेक्ट्रिक निकलती है, और कोई भी अगर आपसे जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो इसे आप बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। बस इसको ऑन करके उसके हाथ, गला, सीना या किसी और जगह पे लगा दो और उसे ऐसा झटका लगेगा कि नानी याद आ जाएगी, और उस टाइम पे आप वहां से निकल कर हेल्प मांग सकते हैं। ये गैजेट बहुत ही मजेदार और यूजफुल है, जिसपे कोई भी कभी भी शक नहीं करेगा। अम्ब्रेला सोर्ड एंड स्टनब्रेला। अब बात अगर ऐसे वेपन्स की हो रही है जिसपे कोई शक नहीं करेगा तो इस वाले गैजेट को देखकर तो आपके होश उड़ने वाला है। दरअसल इस वाले पॉइंट में मैं 2 गैजेट्स की बात करने वाला हूँ जो दिखने में छतरी की तरह लगते हैं। जी हाँ, ये रहा एक नॉर्मल सा अम्ब्रेला जिसे आप धूप या बारिश में कैरी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर छिपा है एक तेज तड़ा तलवार जो आपको मुसीबत में सेल्फ डिफेंस के लिए बड़ी मदद करने वाला है। बस एक बटन प्रेस करके इसको निकालो और दुश्मन के छक्के छुड़ा दो। और इसी तलवार वाले छतरी के साथ ही एक और ऐसा अम्ब्रेला है जो और भी ज्यादा खतरनाक है। इसे कहते हैं स्टनब्रेला, मतलब ये भी एक नॉर्मल सा दिखने वाला अम्ब्रेला है जिसमें स्टन गन छिपा हुआ है। आपको बस इसके बटन को हल्के से दबाना है और इसकी इलेक्ट्रिक शॉक आप पे हमला करने वाले को झिंझोर कर रख देगा। और अच्छी बात तो यह है कि इस छतरी को आप चार्ज करके जितनी बार चाहे यूज कर सकते हैं। एटॉमिक बियर टैक्टिकल पेन।
ये कहावत तो आपने सुना ही होगा कि पेन इज माइटियर देन सोर्ड। शायद ये कहावत इसी पेन के लिए बनाया गया था। एटॉमिक बियर का टैक्टिकल पेन एक ऐसा कमाल का पेन है जिसे आप लिख भी सकते हैं और सामने खड़े किसी भी आदमी की धजिया भी उड़ा सकते हैं। इस पेन के पीछे की तरफ एक मेटल दिया हुआ है जो कांच को भी तोड़ सकता है, तो सोचो कि इसको अगर किसी के मुंह पे भौंक दे तो उसका क्या हाल होगा। और तो और इसमें बॉटल ओपनर और फ्लैश लाइट भी मौजूद है जो इसे मल्टीपर्पज भी बनाता है। तो क्या ख्याल है आपका, है ना ये पेन मजेदार। फेक टीवी बर्गलर डिटरेंट। सेल्फ डिफेंस का मतलब सिर्फ खुद को ही बचाना नहीं होता, अपने घर को बचाना भी सेल्फ डिफेंस होता है। और ये सुपर कूल गैजेट आपको आपके घर को बचाने में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। चोर उचक्के तो इसी फिराक में रहते हैं कि कब कोई अपने घर से बाहर जाए और वो खाली घर में घुसकर सारी चीजें ऐंठ जाए। लेकिन आपके पास अगर फेक टीवी बर्गलर डिटरेंट है तो चोर को पता भी नहीं चलेगा कि घर पे आप नहीं है। ये गैजेट एक्चुअली एक लाइट प्रोड्यूस करता है जो बाहर से दिखने में बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा अंधेरे घर पे टीवी चलते वक्त लगता है। और इसी तरह आप स्मार्टली इस गैजेट को यूज करके चोर को बेवकूफ बना सकते हैं। तो अभी आप आराम से घूमने जाओ और चोर सोचेगा कि घर पे बैठकर कोई टीवी देख रहा है। टाइगर क्लॉ लेडी। उल्वरिन को तो आप पहचानते ही होंगे। अब इस गैजेट से आपको भी उल्वरिन की तरह ही क्लॉज मिलने वाला है जिससे आप खुद को किसी भी हमले से आसानी से बचा पाओगे। टाइगर क्लॉ लेडी एक ऑसम सेल्फ डिफेंस गैजेट है जो सही मायनों में छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है। इस गैजेट को लड़कियां अपने हैंडबैग में आसानी से कैरी कर सकते हैं और नॉर्मली इसमें से कोई क्लॉ नहीं निकलता, लेकिन हाथ में रखकर पुश करने पे इससे तीन क्लॉज बाहर निकल कर आते हैं जो उल्वरिन के क्लॉज की तरह सिर्फ दिखता ही नहीं बल्कि उसकी तरह ही खतरनाक भी है। जब भी कोई आप पर हमला करता है तो आपको सिर्फ इसे अपने हथेली पर रखकर थोड़ा सा दबा के दे मारना है उसके मुंह पर, और वो आपको और परेशान नहीं करेगा क्योंकि परेशान करने की हालत में ही नहीं होगा। अगर आपको किसी से भी खुद को बचाना है तो ये गैजेट बड़े काम आने वाला है। बोला रैप। अब तक जो भी गैजेट मैंने आपको दिखाया है वो सब के सब ऐसे है कि दुश्मन को ज्यादा नहीं तो थोड़ी चोट तो जरूर पहुंचाएगी, लेकिन अगर आप दूसरे को बिना चोट पहुंचाए बस खुद को बचाना चाहते हैं तो ये वाला गैजेट आपको बड़े काम आने वाला है। बोला रैप एक ऐसा गन है जिसमें ट्रिगर दबाते ही उसमें से एक रस्सी निकल कर दूसरे पर्सन को जकड़ लेता है और लॉक हो जाता है। मजे की बात तो यह है कि ये रस्सी 8 मीटर तक जा सकता है, मतलब आप एक सेफ पोजीशन में खड़े होकर बिना हमलावर के पास गए उसको लॉक कर सकते हैं और उसे चोट भी नहीं पहुंचेगा। अब अगर आपको अपने एम पर भरोसा नहीं है तो इसमें एक लेजर भी लगा हुआ है जिससे आप किसी भी टारगेट पर आसानी से वार कर सकते हैं। तो इस गैजेट को अभी के अभी खरीद लो और सांप को मारो लाठी को बिना तोड़े। पेन नाइफ। मार्केट में वैसे तो आपको कई सारे पेन नाइफ मिल जाएगा, लेकिन कॉम्ब्राटेक का पेन नाइफ सभी में से सबसे ज्यादा इजी टू यूज है। कोई अगर आप पे हमला कर दे तो आपको सिर्फ इस पेन के हैंडल को दबाना पड़ेगा और इसमें से लगभग 1.5 इंच का एक शार्प नाइफ निकलेगा जिससे आप हमला करने वाले की छक्के छुड़ा सकते हैं, और फिर से हैंडल को दबाने से ही नाइफ अंदर भी चला जाएगा, मतलब जरूरत के वक्त बहुत ही आसानी से इसको आप हैंडल कर पाओगे। और हाँ, इससे आप लिख भी सकते हैं। स्टैब रेजिस्टेंस वेस्ट। भाई और बहनों, इस गैजेट के बारे में ही मैं इंट्रो में बोल रहा था। कोई जब आप पे हमला करता है तो उसके पास भी तो हथियार हो सकता है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस स्टैब रेजिस्टेंस वेस्ट को मेरे लिस्ट पे रखा है। इसको बस आपको अपने ड्रेस के नीचे पहन लेना है और कोई जितना भी वार करे आप पर आपको महसूस भी नहीं होगा। उस वक्त आप अपने सेल्फ डिफेंस गैजेट को निकाल कर उसको अच्छा सबक सिखा सकते हैं। दूसरे वीडियोस में सेल्फ डिफेंस का ये वाला साइड नहीं दिखाया जाता, लेकिन मैं तो हर एक चीज के बारे में सोचता हूँ और आपके लिए मजेदार गैजेट्स भी ले आता हूँ। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा गैजेट आपको पसंद है और कौन सा खरीदना चाहते हैं आप, और क्या आपको अब तक कोई ऐसा खतरनाक सिचुएशन फेस करना पड़ा है जिसमें आपको खुद को बचाना पड़ा, सब कुछ कमेंट में बताइए। और जाते वक्त वीडियो पे बस एक छोटा सा पुचकू सा लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन जोर से दबाने के बाद वो बेल आइकन को भी प्रेस कर ही दीजिए। तो आज मैं चलता हूँ, लेकिन मिलेंगे बहुत ही जल्द एक ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे सेफ।